अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज आपका भाई बना रहा है मटन का पुलाव। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और मैंने कहा कुछ ताजा सा पुलाव बनाया जाए, बिल्कुल सादा सादा सा जो है। मैं मटन का पुलाव बना रहा हूँ और गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि बस अब मैं हर दफा ये बोल रहे होते हैं कि आप हर ब्लॉग के अंदर जो है कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही होती है। नहीं यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हवा चल रही है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, गर्मी भी हमारे लिए एक नेमत है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये जो है बाहर मालिक में देखें आप, जहाँ धूप वगैरह नहीं होती है, जहर सी बात है, धूप नहीं होगी तो फिर आम कैसे पकेंगे, सारी फसलें कैसे होंगी। तो इसलिए तो और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कैरियर से होंगे। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से प्लीज। और आपकी नहीं, मुझे सब्सक्राइब करने से मेरी अप्रिसिएशन होती ताकि मैं अच्छा ब्लॉग और बना सकूं। तो यहाँ पर जो है मेरा मटन की जो है यखनी रेडी हो रही है, और यहाँ पर जो है मेरा मटन पुलाव रेडी हो रहा है, फिर वो भी आपको दिखा रहा हूँ। मैं आज बना रहा हूँ यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव के लिए मैंने जो है मटन का गोश्त लिया था, और इसके अंदर जो है मैंने एक प्याज गट्टी डाली थी, और इलायची और साबुत धनिया, और क्या कहते हैं इसको, इसमें ज़ीरा डाला था, और ये सब कुछ जो मतलब खड़े मसाले होते हैं ये डालकर मैंने इसकी यखनी चढ़ाने के लिए रख दी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी यखनी बनकर जो है रेडी हो चुकी है। फिर इसके बाद जो प्रोसेसर होगा मसाला भूनने का, फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो मैंने कहा आज क्यों ना मटन पुलाव बनाया जाए, तो आज मैंने बना रहा हूँ मटन पुलाव। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। तो जो है मैंने कहा आज क्यों ना मम्मा आपका हाथ बिठाया जाए, तो जो है ना मैंने कहा मम्मा आपके लिए अच्छा सा जो है बकरे का पुलाव बनाता हूँ मैं। और चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, बहुत शानदार मज़ेदार बनेगा। और मैंने भी मम्मा से रेसिपी पूछता रहा, और यहाँ पर मैं जो है बनाता रहा, क्योंकि हमारी मम्मा की रेसिपीज़ भी कम नहीं होती हैं, आपने वीडियोस में देखी होंगी। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को लंबी दराज उम्र अता फरमाए, और मेरे माँ बाप को भी लंबी दराज उम्र अता पाए, और हर औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। देखिए मेरे ब्लॉग के अंदर रोज़ाना रोज़मर्रा की रूटीन्स होती हैं वही आपके सामने होती हैं, कोई बनावटी नहीं होती भाई कि ये हूँ दिखाओ वो दिखाओ, जो आपके सामने है वो कैमरे की पीछे भी वही है। तो आप ये देख सकते हैं गर्मी की, ये देख सकते हैं गर्मी किस कदर जो है गर्मी हो रही है, बहुत शदीद धूप हो रही है। तो गाइस यहाँ पर जो है फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल करी थी, और प्याज डाल करने के बाद इसमें खड़ा गर्म मसाला डाला था, और हरी मिर्चें डाली, और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और अब मैं इसके अंदर जो है गोश्त जो है शामिल कर दूँगा मटन पुलाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मसाला जो है अच्छे तरीके से बन चुका, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारे मतलब जो यखनी वगैरह बन गई थी, तो मैंने जो है इसका गोश्त वगैरह निकाल कर अलग से रख दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने जो यखनी थी वो हमने जो है इसके अंदर अलग से स्टोर कर ली ताकि हम मसाले में भूनेंगे। और यहाँ पर हमने जो है गोश्त का पूरा मसाला निकाल लिया, देख सकते हैं आपको सुगड़ हो गया बच्चा भाई। ठीक है गाइस, अब इसमें हम जो है हमने इसका गोश्त जो हमारा हो गया था यखनी का, यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग हमने में जो है अच्छी तरीके से पूरा गोश्त जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी अच्छे तरीके से जो है गोश्त भुन चुका है, दही की भुनाई के साथ मैंने इसको भून लिया था, इसमें दही ऐड कर दिया था, और अब ये देखें कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा गोश्त, मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है हमारा। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे, ये देखिए बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ओए भूखना जा रहा है की कंट्रोल कंट्रोल। अब हम इसमें जो हमारे पास इसकी यखनी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
A few moments later. गाइस यहाँ पर जो हमारे यखनी में बॉयल आ चुका था, फिर मैंने इसमें जो है नमक वगैरह ऐड कर दिया, और नमक ऐड करने के बाद जो मेरे पास चावल थे बासमती चावल, अब वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। और फिर ऐड करने के बाद जो है फिर इसको अच्छी तरीके से जो है पानी खुशक होने देंगे, और फिर पानी खुशक होने के बाद जो है फिर मैं इसको दम पे रख दूंगा। और माशाल्लाह से आप चावल देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ही Few moments later. यहाँ पर जो फिर पानी खुशक हो गया था, फिर मैं दम पे रख दिया था। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे चावल आ चुके हैं 10 से 20 मिनट के बाद दम पे, वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं हमारे। और ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार और लजीज और यखनी वाला पुलाव बना है, मम्मा तो देख के खुश हो जाएंगे। तो चले आज जल्दी से पहले दोपहर का खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद आगे आपसे शेयर करेंगे। ओके गाइस, मैंने खा लिया है दोपहर का खाना, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार पुलाव बना था और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, फिर रेस्ट करने के बाद रात को बाबा ने बोला है कि हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे, तो फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो है व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चले आज ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरे आज मेरे सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसलिए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। 12 o'clock midnight. उसके बाद जो है फिर हम लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे, बाबा ने जो है इनवाइट किया था हमें बाहर और बोला था कि आज बाहर खाना खाने चलेंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग सुपर शनवारी रेस्टोरेंट आए थे, और यहाँ पर जो है मम्मा बैठी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्पेशली यहाँ पर भी बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अल्लाह का करम इतना है कि बस हफ्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत मतलब रात के टाइम जो है थोड़ा सुकून का मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर आपके भाई के पास जो है यहाँ पे फिर भाईजान ने ऑर्डर वगैरह दिया था, फिर ऑर्डर भी आ गया था हमारा कढ़ाई वगैरह का और सी कबाब वगैरह का। तब हम खाना खाने स्टार्ट करेंगे, और मुझे तो यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोगों को भी पसंद हो जाएगी यहाँ अगर अगर आप लोग आएंगे तो। शनवारी की कढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है, तो आप लोग जो है मस्ट ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पर। तो गाइस खाते खाते खाना मेरी आंखों में मिर्चें लग गई थी, ओ हो। ने भी कहा था कि चलो चलो भाईजान चलते हैं यार, गर्मी तो होती रहती है आपको पता है यहाँ पर। तो आपका भाई जो है यहाँ पर जो है फिर इसके बाद रेशमी कबाब खाए मैंने, मुझे यहाँ के रेशमी कबाब भी बहुत पसंद है, और यहाँ का पुलाव भी बहुत मज़े का होता है, आप लोग वो भी बहुत ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो जो है ये देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर जो है कबाब खा रहा हूँ, और कबाब भी बहुत मज़ेदार बने हुए होते हैं इनके, बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ज़्यादा मिर्ची हो, बिल्कुल नॉर्मल मिर्च वगैरह के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने सबने खाना वगैरह, मैंने तो खा लिया था तकरीबन, मेरा तो पेट भर गया था। और मामा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। मैं तो जब भी शनिवारी आता हूँ मैं तो कढ़ाई के अंदर खाता हूँ, प्लेट में निकाल के नहीं खाता, मुझे कढ़ाई में खाने का बहुत मज़ा आता है, और इतनी गरम गरम कढ़ाई हो रही होती है और इसमें खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, तो उसका तो जायका ही अलग होता है। तो गाइस मैंने खा लिया है खाना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं जा रहा हूँ घर पर, और फिर उसके बाद घर पर जाने के बाद आपसे मुलाकात होगी, और यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ओके गाइस, अस्सलामु अलैकुम।